हाँ मुझे उर्दू से नहीं आती थी पहले बिल्कुल भी, मुझे मेरी काक की हमेशा ऊपर नीचे हो जाती थी, मैं गलत तरह से बोलती थी, लेकिन प्रैक्टिस कर करके तो आई थिंक सब कुछ ही सही हो जाता है। उर्दू लिख सकती हो? लिख नहीं सकती, बोल सकती, बहुत बड़ी बात है। तो जब आपने किस एज में यहाँ से पाकिस्तान ट्रैवल किया, आपको कैसे ये दिमाग में आया कि मैं पाकिस्तानी दिमाग में काम करूँगी, और आपको ये भी पता था कि मैं इंग्लिश भी नहीं बोल रहा, उर्दू भी नहीं बोल सकती, कितना मुश्किल था, चैलेंज तो बहुत बड़ा था, कैसे हुआ? चैलेंज बहुत बड़ा था, और मैंने पहले ही बताया कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि पाकिस्तान जाके काम करना है, वो जब काम करना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली तब मुझे हुआ कि ओह ओके तो यू नो अच्छा है ना, आई वाज वेरी हैप्पी विद द इन्फ्लुएंस एज वेल, और अब तो मोहब्बत हो गई पाकिस्तानी पब्लिक का कैसा प्यार मिला? बहुत ज्यादा, वो मेरी फैमिली बन गए हैं अब, ऐसा है। अभी आपको ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है यूके से प्यार? मैं चूज नहीं कर सकती, एक जगह एक दिल है, एक जगह रूह है। आज आपने स्टेज से अपनी वालदा और अपनी बहन को एक रोल मॉडल वहाँ पे अनाउंस किया, तो आपकी अम्मी का भी कहना है कि मैंने कुबरा से बड़े ड्रामे भी नहीं देखे, तो कितनी बड़ी आपकी माँ के साथ स्ट्रगल है उस बारे में बता सकते हैं? I mean, struggle as such नहीं, but natural सी बात है, obviously living in a western country and being Pakistani, naturally struggles होते हैं, और किसी की भी जिंदगी पीछे से ड्रीम नहीं होती, natural सी बात है, लेकिन it's about how you handle yourself, it's how you hold yourself together, अपनी इज्जत को कैसे साथ लेके चलते हैं, अपनी रूट को, अपने अखलाक को, अपने ईमान को कैसे साथ लेके चलते हैं, वो सब मैंने मिलता है कि वहाँ मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ जो जिन लोगों के साथ आपने कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनेस्टली शेख नदीम भाई हो, सैफी भाई हो, महेश भाई जो आप टीवी में होते हैं, वो हो, आई मीन जिस जिस डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह दे बीन सो नाइस, सो नर्चरिंग, वो एक फादर फिगर जैसे होता है ना, जिस बिन लाइक दैट। पाकिस्तान का सबसे प्यारा शहर आपका कौन सा, जहाँ पे आप रहना पसंद करते हैं? ओके सबसे प्यारा शहर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई थिंक जो सवाल जो जवाब लोगों को पसंद आएगा वो इस्लामाबाद होगा, विजुअली खूबसूरत है इस्लामाबाद, लेकिन मेरे लिए कराची कराची है, मैं कराची की हूँ तो इस वजह से, मैं कराची में रहती हूँ, आप तो मेरे लिए कराची कराची है। अगर आप अभी तो आप एक बड़ी हाउस होल्ड नाम बन चुकी हैं, एक्टर बन चुकी हैं, अगर आप एक्टर ना होती तो आप क्या होती? डॉक्टर होती। आपने यहाँ पे पढ़ा था कुछ? बिल्कुल भी नहीं, मैं बल्कि साइंस क्लास अपनी बंक करती थी। बड़े हो गए एहसास से कि मुझे इतना ज्यादा एहसास है मैं डॉक्टर ही बन जाती हूं। क्योंकि सर्दी आ गई है, अभी पाकिस्तान चली जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ जाके जब क्वेटा की हवा चलेगी तब। यूके में होते हुए ऐसे पाकिस्तान की कोई जो वहाँ के जो जैसे कराची की कौन सी बात है जो आपको मिस करती है? दोस्त अपने। और वहाँ से होते हुए फैमिली अपनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उस दिन आपने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अवार्ड शो पे, कितना आपको एफर्ट लगाई जो आपने पूरा ये जो डांस रूटीन आपने की मुख्तलिफ सॉन्ग्स के ऊपर, खासतौर पर जो ब्लॉक बस्टर वाला आपका जो सॉन्ग? हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली ब्लॉक बस्टर तो इट वॉज अ फन वन, लेकिन जब जब तीनों इकट्ठे करते हो तो तीनों इतने हैप्पी और एनर्जेटिक गाने थे, टुवर्ड्स द एंड आपकी बत्ती गुल हो जाती है, एफर्ट बहुत किया था, लाइक आई वाज लकी इनफ टू हैव कॉट लाइक फरहान जो बहुत इतने अच्छे परफॉर्मर है, सो इट वर्कड आउट वेल, लेकिन एफर्ट फुल होती है। से आप जाके पाकिस्तान आपने काम किया, ऑब्वियसली शुरू में तो आपको यहाँ की अपब्रिंगिंग, वहाँ जाकर कल्चरल चेंज होती है? नॉट एट ऑल, नहीं, बिकॉज अपब्रिंगिंग तो आपके घर से आती है, मेरे घर वाले पाकिस्तानी हैं, तो अम्मी ने मेरे में अखलाक और अपनी सारी रूट्स वो रखी हमेशा से, पर जबान का थोड़ा सा मसला, वही मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जबान का एकदम स्विच करना, एक लैंग्वेज से दूसरी में स्ट्रगल किया होगा।